तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात के स्थानीय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन सबसे दिलचस्प है सूरत। सूरत में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, डायमंड सिटी में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नंबर 3 की पार्टी बना दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कमान हार्दिक पटेल के हाथों में होने के बावजूद सूरत में पाटीदारों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। क्या गुजरात में बदलेगी विपक्ष की सूरत? गुजरात में निकाय चुनाव में AIMIM का खाता खुला है। अहमदाबाद के जमालपुर में 4 सीटों पर जीत मिली है AIMIM को। क्या ये चुनाव छोटा लेकिन संकेत बड़े हैं? तो वहां सूरत में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, यहां AIMIM का खाता खुल गया है 4 सीटें अहमदाबाद में। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। गुजरात में बीजेपी विजय उत्सव मना रही है। 6 नगर निगम के चुनाव हुए और सभी में बीजेपी ने कमाल कर दिया। हालांकि पिछले चुनाव में भी सभी 6 नगर निगमों में बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन किसान आंदोलन के बीच विरोधियों को पस्त करना ये साबित करता है कि लोगों का भरोसा सत्तारूढ़ पार्टी पर कायम है। नहीं है, भाजपा जगह ग्राउंड लेवल पर जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कांग्रेस हो या आप पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो, उससे भाजपा को कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है और भाजपा जीतती आई है, जीतेगी और आगे भी जीतने वाली है। स्थानीय निकाय के चुनाव में 6 की 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी ने जीत ली है और बीजेपी अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं जो वो काउंटिंग स्टेशन है, उसके बाद यहाँ पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी जीत हुई है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली, तो सूबे के CM विजय रूपाणी ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के हाथों में पार्टी की कमान सौंप दी गई। हार्दिक ने गली मोहल्ले में रैलियां करके पूरी ताकत झोंकी, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि लोगों ने ना हार्दिक के वादों पर भरोसा किया और ना ही कांग्रेस के दावों पर। शायद यही वजह है कि रफ्तार में चल रही काउंटिंग के बीच कांग्रेस के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा है। नतीजों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाने में देर नहीं की। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, बीजेपी ने 6 नगर निगमों में बढ़त हासिल की और कांग्रेस काफी पीछे रह गए, यही बीजेपी के संगठन की ताकत है। सबसे दिलचस्प नतीजे सूरत से आ रहे हैं, जहां कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने डायमंड सिटी में अपना खाता खोल लिया और कांग्रेस को धकेल कर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। सूरत, CR पाटिल जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका गढ़ है और वहां पे आम आदमी पार्टी की एंट्री कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में सरदर्द साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल जीत का जश्न अहमदाबाद में मनाया जा रहा है और बीजेपी बड़े विजय उत्सव की तैयारी में जुट चुकी है। गुजरात निकाय चुनाव के लिए असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बार जोरदार तैयारी की थी। पूरी ताकत के साथ AIMIM ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन पतंग कट गई। किसी भी नगर निगम में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। काउंटिंग खत्म होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ओवैसी की पार्टी को कितने फीसदी वोट मिले। इस बीच बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में हैं और उम्मीद है अब से थोड़ी देर बाद CM विजय रूपाणी के साथ विजय उत्सव में शामिल होंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो विजय उत्सव